यूजीसी को भी एग्जाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो अनफेयर टू कंडक्ट द एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखो ये पहले नेता हैं जिन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम्स है वो नहीं होने चाहिए, मतलब हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स के भी बोल रहे हैं, बट ये कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया कि एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट नहीं होने चाहिए। तो राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है ये तब आया जब HRD मिनिस्टर ने बोला कि एग्ज़ाम्स को रिविजिट करना चाहिए उनकी गाइडलाइंस को, फिर UGC ने बोल दिया कि एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद अब ये स्टेटमेंट आई है राहुल गांधी की एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करके बोला था कि एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंडिया क्रॉस कर चुके हैं 8 लाख मार्क को, कांग्रेस राहुल गांधी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस डिसीजन को, जो एजुकेशन बॉडी है जिसने ये डिसीजन लिया है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने बोला इस टाइम पे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पैंडेमिक क्रिएट हो रही है। तो जो राहुल गांधी है उन्होंने UGC के डिसीजन को अपोज करते हुए एक ट्वीट करा था कल कि जो एग्ज़ाम्स है वो नहीं होने चाहिए इस पैंडेमिक में, और जो UGC है उसको स्टूडेंट्स की वॉइस सुननी चाहिए, एग्जाम्स को कैंसिल करना चाहिए और स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस। एक वीडियो मैसेज दिया है 50-year-old कांग्रेस MP फ्रॉम द केरला व्यांद है, उन्होंने बोला है कि जो COVID-19 है वो पहले से ही बहुत सारे पीपल्स को हार्म कर रहा है, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं कॉलेजेस वगैरह हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्ट्रगल हो रही है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने में। तो IIT है जैसे उन्होंने पहले ही प्रमोट कर दिया था स्टूडेंट्स को, कैंसिल कर दिए थे एग्जाम्स, बट जो UGC है उसने कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने ट्वीट करा था कल। कोविड ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। IITs ने कॉलेजेस ने एग्जाम्स कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया है, UGC कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। UGC को भी एग्जाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सारे स्टेट ने UGC को दोबारा से बोला है कि आप अपनी गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज करें, जैसे कि हम सबको पता है जो पंजाब के CM है उन्होंने भी ट्वीट करा था कि जो गाइडलाइंस है वो दोबारा से करी जाएं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखने का बोला था कि वो लेटर लिखेंगे ताकि एग्ज़ाम्स वगैरह कैंसिल हो सकें। उन्होंने अपने ट्वीट करके ये लिखा था कि वो एग्ज़ाम्स वगैरह को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी MHRD को रिक्वेस्ट करा है ताकि वो रिवाइज कर सके अपनी गाइडलाइंस को और एग्ज़ाम्स ना कंडक्ट करवाए जाएँ UGN PG के दोनों ही के, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स ना करवाए जाएँ। तो उड़ीसा के जो हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बोला कि जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल कर देने चाहिए और फाइनल ईयर्स वालों को प्रमोट कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस सेमेस्टर्स। तो ये ट्वीट है उनका जो उन्होंने करा था कि UGN PG के स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर देना चाहिए। तो इतना था इस वीडियो में, अगर आप इस डिसीजन को फेवर करते हो तो मैंने ट्विटर पे ये रीट्वीट कर रखा है, तो आप उसको जाके और रीट्वीट कर सकते हो या हैशटैग कैंसिल एग्जाम्स कर सकते हो, कुछ भी करो, बट इस ट्वीट को हो सकता है तो जितना से जितना फैला सकते हो फैला दो। और बाय बाय, टेक केयर।